मुंबई शहर में गुज़श्ता रात से जारी बारिश की वजह से मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने की शिकायत आम हो गई है। शहरियों को पानी भर से गुजरना पड़ रहा है। बता दें आपको कि कुर्ला डिपो से लेकर मानकुर, मंडाला और मजाफाती इलाकों में जो है पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से जो है शहरियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुर्ला डिपो पर देखें तो आप जो है जिस तरीके से ये गाड़ियां जो है वो सुस्त रवि से जा रही है। इतना ही नहीं, यहाँ जो है पानी भर गया है और पानी भरने की वजह से जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज जो है एतवार है, स्कूल की छुट्टी होने की वजह से स्कूल के बच्चों की जो है आमदोरफ्त नहीं हुई, लेकिन सड़कों पर जो है आमदोरफ्त कम ही नज़र आ रही है। इसी के साथ अगर आपको बताएं कि जिस तरीके से मुंबई में जो है रेलवे की जो आमदोरफ्त है उसमें भी खलल पड़ा है, क्योंकि पटरियों पर भी पानी जमा हुआ है। सेंट्रल लाइन से लेकर हार्बर लाइन की ट्रेनें जो है तकरीबन आधा से 15 मिनट की ताखिर से चलाई जा रही है। बता दें आपको कि ट्रैफिक निज़ाम भी जो है बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुंबई शहर में जो है बारिश का सिलसिला हनूज जारी है और आइंदा 24 घंटों तक जो है बारिश जो है वो जारी रहने का इम्कान IMD ने जाहिर किया है। इसके लिए जो अलर्ट जारी किया गया है, बता दें आपको कि BMC कमिश्नर ने जो है डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम का भी जायज़ा लिया है। इसके साथ डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम में जो है BMC की टीम जो है मुआयना कर रही है। जिस तरीके से आपको बताया कि कुर्ला एल वार्ड में जो है बाज़ाब्ता तौर पर थोड़ी सी बारिश में जो है पानी जमा होने की शिकायत आम होती है, यहाँ पंपिंग स्टेशन शुरू किया गया है। इसके साथ ही मिलन सबवे को पूरी तरह से बंद किया गया है, वहाँ जो है ट्रैफिक रूट्स को तब्दील किया गया है। बेस्ट की कई बसों को जो है तब्दील रूट्स पर जाने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही जो है मलाड़, मौलोनी, जोगेश्वरी, अंधेरी में भी पानी जमा होने की शिकायत मिली है। मुंबई शहर में जुनूबी मुंबई, दादर, परेल और माटुंगा के इलाकों में जो है पानी जमा हुए है। इसके साथ जो है साइन, प्रतीक्षा नगर में भी शदीद बारिश जारी है और कुर्ला के इलाकों में शदीद बारिश के सबब जो है पानी जमा होने का सिलसिला शुरू हो गया है। 4 से 5 फीट जो है नशीबी इलाकों में पानी जमा हुआ है। बता दें आपको कि BMC ने 24 घंटे तक के लिए अलर्ट जारी किया है। IMD ने भी ये कहा है कि मौसम जो है 24 घंटे तक ऐसा ही रहेगा। इसके साथ ही BMC का डिजास्टर मैनेजमेंट में तमाम इलाकों के जो है मुआयने किए जा रहे हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है। बता दें आपको कि कुर्ला एलवाड में जो है तानाजी हेरलेकर जो असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर है, वार्ड ऑफिसर है, उनकी जो है ऐसी कारकर्दगी है जिसके सबब जो है यहाँ पानी जमा होने की शिकायत जो है आम हो गई है, क्योंकि BMC एलवाड ने पूरी तरह से साफ सफाई मुकम्मल नहीं की थी और गटरों का पानी आज सड़कों पर है। सड़कें जो है तालाब बन चुकी है। जहाँ का इंसाफ की खास रिपोर्ट।